हाय गाइस, माय नेम इज नमन पलवेल। आज हम बात करने वाले हैं कि जब भी हम पढ़ाई करने बैठते हैं हमारा फोकस क्यों नहीं लगता, हमारा मन क्यों नहीं लगता। देखिए, सबसे पहला रीजन होता है आपका वर्क स्पेस। जिस आप वर्क स्पेस में बैठे हो, अगर आप वहाँ पे नोटिस करते हो कि आपने बहुत सारा सामान रखा हुआ है, एग्जाम्पल पेन होल्डर, पानी की बॉटल, आपकी कुछ दवाइयाँ, फल फ्रूट, खाने के बिस्किट्स, आपने भी बहुत सारी 6-7 कॉपी किताबें रख रखी हैं, आपने रफ कॉपी रख रखी है, शायद आपने अपना लैपटॉप भी रख रहा, आपने अपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें रख रखी जो आपको नहीं रखनी चाहिए, ठीक है, तो आप डिस्ट्रैक्ट होते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज करो आपने 4 बुक रख रखी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो। ठीक है, मान लेते हैं हमें इस समय पढ़ना है मैथ्स, बट हमारे पास 3 किताबें सामने रखी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। जब आप मैथ्स पढ़ रहे होगे, दिमाग से तो आप मैथ्स पढ़ रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड पता है किताबों को देख के क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि यार अभी ये पढ़ लेते हैं, फिर वो पढ़ना है, फिर उसके न्यूमेरिकल लगाने हैं, फिर आज अलजेब्रा पढ़ना है। दिमाग आपका वहीं पर दौड़ता रहेगा। सो व्हाट यू हैव टू डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीन योर वर्क स्पेस। अपनी जो वर्क स्पेस है उसको पूरी तरह से क्लीन करना है, पहले साफ करना है। ठीक है, साफ इन द सेंस कि जो सिर्फ काम की चीजें वही रखनी है। इसमें पहली टिप आती है आपकी, जो आपको पढ़ना है, जो भी आपको सब्जेक्ट इस समय पढ़ना है करंटली, सिर्फ उसी की किताब रखनी है, उसी की कॉपी रखनी है, पहली टिप। दूसरी टिप आपकी हो गई कि जो भी आपकी वर्क स्पेस है वहां पर हम क्या कर रहे होते हैं, बहुत सारा सामान रख रहे होते हैं, सामान को हटा करके सिर्फ कुछ 5 काम के सामान रखना है, जिसमें सबसे पहला आता है आपका एक पानी की बॉटल, जिससे कि आपको उठ के बार बार पानी पीने के लिए जाना नहीं पड़े, तो पानी की बॉटल जरूर रखें। सेकंड रहेगा आपका स्टडी लैंप। स्टडी लैंप है ना, पता है जब एंशियंट टाइम्स में भी जब पढ़ाई किया करते थे, या आपने बहुत बुक्स में पढ़ा होगा कि स्टडी लैंप के अंदर पढ़ना है। दो रीजन है, पहला जब आप लाइट ऑन करके पढ़ते हो तो आपका फोकस बढ़ता है, सेकंड एक प्रॉपर लाइट आपको उस वर्क स्पेस में मिलती है, सो दैट आप अच्छे से अपने आपकी जो आंखें हैं वो अच्छे से काम कर सकें। डन है। थर्ड चीज होगी स्टिकी नोट। जब भी आप पढ़ाई कर रहे होते हो तो आपको डाउट्स आते हैं, आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, आपको स्टिकी नोट्स आते हैं, मार्केट में 20-30 रुपए के मिलते हैं, वो जरूर लेकर के आए और उसको चिपकाते रहे अपने कॉपी पे, अपने पेन पे, अपने डेस्क के सामने, जो तुम्हें याद रखना है वो चीज जरूर। फोर्थ हो गया आपका रफ कॉपी। बहुत सी बार हम क्या करते हैं, मतलब कन्फ्यूजन सा रहता है कहाँ लिखेंगे, वहाँ लिखे, एक रफ कॉपी रख लो, वो एक परमानेंट रफ कॉपी रखो जो उस टेबल पर रहेगी, उस पर तुम सॉल्व करते रहो अपने न्यूमेरिकल। फिफ्थ, पेन होल्डर। एक पेन होल्डर जरूर रखना, उसमें आपका हाईलाइटर, आपके पेन, आपके पेंसिल, रबर कटर, आपका सारा स्टेशनरी आइटम होना चाहिए, सो दैट आपको बार बार उठना ना पड़े, और स्केच पेन भी आप रख सकते हो क्योंकि आप नोट्स बना रहे हो। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें आपके एसेंशियल्स हैं, ये आपके उस जगह पर होने चाहिए।